हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे शोल्डर जॉइंट के ऊपर। ओके, तो देखिए वही हम पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ट बनाएंगे और उस ओनली वन चार्ट से आपका पूरा का पूरा शोल्डर जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा और शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन जो जो MCQs पिकअप होते हैं वो सारे के सारे भी हम यहाँ पे पूरा कवर कर देंगे। ओके, तो ओवरऑल बस कुछ नहीं, शोल्डर जॉइंट के लिए पूरा एक चार्ट बनेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम शोल्डर जॉइंट को स्टार्ट करने से पहले हम पूरे के पूरे शोल्डर जॉइंट को पढ़ेंगे 8 पॉइंट्स के अंदर। 8 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट होगा हमारे पास फीचर। ओके, इसका सेकंड पॉइंट होगा हमारे पास इसके लिगामेंट्स। थर्ड पॉइंट होगा हमारे पास इसके बर्सा। ओके, फोर्थ पॉइंट होगा हमारे पास फैक्टर प्रोवाइडिंग शोल्डर जॉइंट स्टेबिलिटी। फैक्टर प्रोवाइडिंग शोल्डर जॉइंट स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। ओके, तो फैक्टर प्रोवाइडिंग शोल्डर जॉइंट SHO मतलब शोल्डर, जे मतलब जॉइंट स्टेबिलिटी। नंबर फिफ्थ पॉइंट होगा हमारे पास इसके रिलेशंस। इसके बाद सिक्स पॉइंट होगा ब्लड सप्लाई। देन ब्लड सप्लाई बोल दिया तो फिर नर्व सप्लाई भी बोलनी पड़ेगी, एंड अगर नर्व सप्लाई बोल दिया तो जॉइंट में क्या होते हैं मोमेंट्स, तो इसके मोमेंट। ओके, तो इन 8 पॉइंट्स, ओके, फीचर्स, लिगामेंट्स, बर्सा, फैक्टर प्रोवाइड शोल्डर जॉइंट स्टेबिलिटी, रिलेशंस, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मोमेंट्स, इन 8 पॉइंट्स के अंदर हम पूरा का पूरा शोल्डर जॉइंट कवर करेंगे। और देखिए कुछ भी रटने का नहीं है शोल्डर जॉइंट्स के अंदर, क्योंकि हम आपको एकदम ओरिजिनली दिखाएंगे ये क्या है। दिस इज ह्यूमरस, दिस इज स्कैपुला, और जो ये है ये वाला शोल्डर जॉइंट है, ये वाला कौन सा है लेफ्ट साइड का शोल्डर जॉइंट, मतलब दिस इज लेफ्ट ह्यूमरस एंड दिस इज लेफ्ट स्कैपुला। तो हम आपको एकदम दिखाएंगे, क्योंकि मैंने जो ये 8 पॉइंट्स में डिवाइड किया है ये भी रटने के नहीं है। अगर आप समझोगे तो हर चीज़ का सीक्वेंस है। मैंने फीचर्स के बाद लिगामेंट ही क्यों लिखा है, मतलब हर चीज़ को लिखने का एक सीक्वेंस है। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ जाएंगे। तो देखिए हम एक एक चीज़ को एकदम ओपनली एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। ओके, तो चार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स मतलब बेसिक्स। तो फीचर्स को देखिए, हम फीचर्स के अंदर यहाँ पे आपको बताएंगे 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स क्या? ओके, तो फीचर्स के अंदर बताएंगे 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स में से सबसे पहला होगा कि ये क्या होता है, दिस इज साइनोवियल जॉइंट। मतलब देखिए फीचर्स में हम बताएंगे रफली कि क्या क्या बेसिक्स होते हैं इसके। तो दिस इज साइनोवियल जॉइंट्स, और साइनोवियल जॉइंट्स में भी कौन सा जॉइंट है, दिस इज बाल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, एंड अगर ये बाल एंड सॉकेट है तो बाल कौन बनाएगा, सॉकेट कौन बनाएगा? तो ऑफ कोर्स आपको बताओ का बाल कौन बनाता है, बाल बनाएगा इसका हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस। ओके, लिख देना HUM मतलब ह्यूमरस। और सॉकेट कौन बनाएगा, सॉकेट बनाएगा हमारा ग्लेनोइड कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी कहाँ होती है, ग्लेनोइड कैविटी होगी स्कैपुला में, तो ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, तो ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद फीचर्स में जो सेकंड पॉइंट होगा, तो देखिए सेकंड पॉइंट होगा हमारे इन दोनों की साइज के ऊपर कि हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लेनोइड कैविटी इनके साइज में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ये भी रखने का नहीं है, आप खुद बोन्स देखिए, देखिए ये क्या है ग्लेनोइड कैविटी, ये क्या है कोरेकोइड प्रोसेस, और ये क्या है एक्रोमियन प्रोसेस, ये है स्कैपुला लेफ्ट साइड की। तो दिस इज कोरेकोइड प्रोसेस, दिस इज ग्लेनोइड कैविटी एंड दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस। ओके, अब देखिए ग्लेनोइड कैविटी कितनी छोटी है और हेड ऑफ ह्यूमरस कितना बड़ा है। देखिए ना, हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लेनोइड कैविटी दोनों के बीच ही तो बनता है हमारा शोल्डर जॉइंट। तो देखिए ग्लेनोइड कैविटी बहुत ही शेलो है, बहुत ही छोटी है, और ग्लेनोइड कैविटी के कंपेयर में हमारे हेड ऑफ ह्यूमरस का साइज बहुत बड़ा है। तो मैं यहाँ वही पॉइंट लिख रहा हूँ कि ग्लेनोइड कैविटी
ये क्या होती है, स्मॉल बहुत छोटी होगी, शेलो शेलो होगी ये, एंड स्मॉल शेलो टू होल्ड हेड ऑफ ह्यूमरस, टू होल्ड ह्यूमरस हेड। ओके, अब मतलब ग्लेनोइड कैविटी छोटी होती है, देखिए ना छोटी होती है, शेलो होती है। ओके, अब ये हो गया। उसके बाद देखिए जो हेड ऑफ ह्यूमरस की साइज होती है, या फिर जो हमारे हेड ऑफ ह्यूमरस की जो साइज होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। किससे? ग्लेनोइड कैविटी से। ओके, तो ग्लेनोइड कैविटी से हमारे ह्यूमरस हेड की साइज बहुत ज़्यादा है, तो इसको कैसे कम मतलब, तो फिर हम इसका जो ये शेलो है हमारी ग्लेनोइड कैविटी शेलो होती है, इसको मोर डीप कौन करेगा, तो इसको मोर डीप बनाने के लिए इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, ग्लेनोइड लेब्रम। ओके, ग्लेनोइड कैविटी कम डीप है, ये शेलो होती है, तो इसको और ज़्यादा डीप करने के लिए, ताकि हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस इसमें एकदम फिट हो जाए, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें मिलेगा ग्लेनोइड लेब्रम, जिसकी हम बात करेंगे वीडियो में आगे। ओके, तो ये बोथ पॉइंट आर मतलब फीचर्स में दो पॉइंट है, इतना ही काम का है। ओके, इसके बाद आते हैं सेकेंड पॉइंट जो कि होती है लिगामेंट, और जो कि है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पूरा एक चार्ट बनेगा, ओके, इन पूरे 8 पॉइंट का एक चार्ट बनेगा, और उस चार्ट से आपको सारे के सारे एमसीक्यूज जो भी आप पीजी में आते हैं सारे कवर हो जाएंगे। ओके, तो लिगामेंट्स, तो देखिए आपको यहाँ पर टोटल पढ़ने हैं थ्री लिगामेंट्स में से एक होता है कैप्सुलर लिगामेंट, सेकेंड होगा आपके पास कोरेको ह्यूमरल। देखिए खुद बोल रहा है कोरेकोर प्रोसेस टू ह्यूमरस, कोरेकोर प्रोसेस यानी कि स्केपला, ह्यूमरस यानी कि ह्यूमरस। ओके, तो कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, एंड थर्ड लिगामेंट होगा हमारे पास ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ओके, तो दीज आर द थ्री लिगामेंट्स, ये तीन लिगामेंट्स आपको इसमें पढ़ने होते हैं। ओके, देखिए कुछ बुक्स में यहीं पर चौथा ऐड कर रखा है ग्लेनोइड लेब्रम, जो कि हमने बताया था कि हमारी जो ग्लेनोइड कैविटी है बहुत शेलो होती है, तो इस शेलो को मोर डीप करने के लिए इसके चारों तरफ क्या होता है, ग्लेनोइड लेब्रम। ओके, तो बहुत सी बुक्स में यहीं ऐड कर रखा है, हम उसको कहाँ बताएंगे, हम उसको बताएंगे फैक्टर प्रोवाइडिंग शोल्डर जॉइंट स्टेबिलिटी, यहाँ पर बताएंगे हम आपको ग्लेनोइड लेब्रम। ओके, तो तीन की बात करते हैं। ओके, अब आते हैं कैप्सुलर लिगामेंट, तो देखिए ये क्या है, दिस इज ये क्या है, पूरा का पूरा हमारा शोल्डर जॉइंट, तो ये पूरा का पूरा जॉइंट एक कैप्सूल के थ्रू कवर होता है, मतलब जो ये है ना पूरे के पूरी, ये पूरा का पूरा एक कैप्सूल के थ्रू कवर होगा, जिसे बोलेंगे कैप्सुलर लिगामेंट। तो अब हमें देखने हैं कि कैप्सुलर लिगामेंट एंटीरियर साइड कहाँ कहाँ अटैच होता है, सुपीरियर साइड कहाँ कहाँ अटैच होता है, एंड मतलब सॉरी कैप्सुलर लिगामेंट मीडियल साइड कहाँ कहाँ अटैच होता है, लेटरल साइड कहाँ कहाँ अटैच होता है, क्योंकि कैप्सुलर लिगामेंट ही तो दोनों बोन्स को आपस में चिपकाएगा, स्केपला और ह्यूमरस दोनों को कौन चिपकाएगा, कैप्सुलर लिगामेंट। तो एंटीरियर साइड कैप्सुलर लिगामेंट के अटैचमेंट्स, देन सॉरी एंटीरियर नहीं मीडियल साइड कैप्सुलर लिगामेंट के अटैचमेंट की मीडियल साइड स्केपला से कहाँ कहाँ अटैच होता है, और लेटरल साइड ये हमारा ह्यूमरस से कहाँ कहाँ अटैच होता है। ओके, तो ये हो गई बात। उसके अलावा कैप्सुलर लिगामेंट में एंटीरियर साइड कुछ स्पेशल चीज मिलती है जिसको भी हम बताएंगे। तो कैप्सुलर लिगामेंट को हम पढ़ेंगे थ्री पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहला पॉइंट होगा इसके मीडियल अटैचमेंट, कि ये मीडियली कहाँ कहाँ पे अटैच होता है, एंड देन पढ़ेंगे इसके लेटरली अटैचमेंट, कि ये लेटरल साइड कहाँ कहाँ अटैच होता है, एंड इसके एंटीरियर साइड एक स्पेशल चीज मिलती है वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये तीन पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे हम कैप्सुलर लिगामेंट। अब मीडियली की बात करें तो ये अटैच होता है मीडियल साइड, तो मीडियल मतलब हम स्केपला की बात करनी पड़ेगी। तो देखिए मीडियल में क्या होता है, दिस इज ग्लेनोइड कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी है, ऊपर क्या होगा सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल, नीचे क्या होगा इंफ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल। सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल से कौन अटैच होता है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। इंफ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल से क्या अटैच होता है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। मतलब सुप्रा और इंफ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड अटैच होते हैं, सुप्रा से होगा बाइसेप्स ब्रेकाई का, इंफ्रा से होगा ट्राइसेप्स ब्रेकाई का। तो अभी हम बात करते हैं, तो मीडियली मतलब स्केपला, पूरी स्केपला की बात होगी, तो मीडियली दिस इज अटैच AACH मीडियली दिस इज अटैच टू
margin of glenoid cavity. ओके तो मीडियल साइड जो भी हमारी ग्लूनोइड कैविटी इसकी पूरी की पूरी मार्जिन से कौन अटैच होता है हमारा कैप्सुलर लिगामेंट। तो देखिए जैसे मैं घुमा रहा हूँ ये क्या है पूरी की पूरी मार्जिन है बट इसमें लफड़ा कहाँ है लफड़ा है सुपरा ग्लूनोइड ट्यूबरकल पर कि जो ये हमारा ग्लूनोइड ट्यूबरकल की मार्जिन है इस पर तो अटैच होता ही है लेकिन जो सुपरा ग्लूनोइड ट्यूबरकल है वो भी हमारे जॉइंट के अंदर आ जाता है मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ बियॉन्ड BYOND बियॉन्ड सुपरा ग्लूनोइड ट्यूबरकल सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल जिससे हमारा कौन अटैच होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। ओके बियॉन्ड सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल देखिए ये लाइन क्यों लिखी है देखिए ये इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन पिकअप होता है इसको यहां समझाते हैं। देखिए मतलब ये क्या है पूरी की पूरी ग्लिनोइड कैविटी। ओके ये क्या है सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल ये क्या है इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। अब हम देख रहे हैं मीडियल साइड कैप्सुलर लिगामेंट का अटैचमेंट। तो अगर हम मीडियल साइड कैप्सुलर लिगामेंट का अटैच देखें तो ये अटैच होता है पूरी की पूरी मार्जिन से और जो सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल है वो भी कहाँ आ जाता है मतलब सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल के भी बियॉन्ड यहाँ लिखा ना बियॉन्ड मतलब इसके भी आगे तो मार्जिन पे अटैच होगा सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल के बियॉन्ड अटैच होगा और वापस मार्जिन से अटैच होगा मतलब ओके मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी मतलब कि सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल कहाँ आ गया अंदर आ गया मतलब कि जो जो हमारा बाइसेप्स का लॉन्ग हेड है जो कि सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल से अटैच होता है वो कहाँ होगा हमारे जॉइंट कैप्सूल के अंदर। ओके देखिए बाइसेप्स ये क्या होती है दिस इज इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस दिस इज लेसर ट्यूबरकल ग्रेटर ट्यूबरकल दोनों के बीच क्या होती है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस इसी में तो होता है ना क्या होता है इसी में तो होता है हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स और इसके थ्रू ये कहाँ जाता है इसके थ्रू ये जाएगा सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल पर। ओके तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ओके तो क्या मैं बात करूँगा तो आप इस लाइन का मतलब समझ गए बियॉन्ड सुपर ग्लिनोइड ट्यूबरकल ये लाइन दमदार है काम की है क्वेश्चन पिकअप होता है एमसीक्यू पिकअप होता है। तो इस पूरी लाइन को मैं एक चीज इस लाइन के लिए एक लिख रहा हूँ सो इसके कारण क्या हुआ सो टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ एलएस मतलब टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेक आई कहां होगा विद इन द कैप्सूल विद इन द जॉइंट कैविटी विद इन जॉइंट कैविटी। ओके तो ये समझ गए आप। ओके तो ये हो गया देन इसके लिए ये लाइन थी। सेकंड पॉइंट है लेटरली की लेटरली कहाँ अटैच होता है लेटरली मतलब मुझे बात करनी पड़ेगी ह्यूमरस की। तो देखिए लेटरली आपको अगर ह्यूमरस बोन पढ़ रखी हो आपने तो इसमें होती है एनाटॉमिकल नेक और सर्जिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक F4 F1 मतलब सबसे ऊपर होगी तो ये पूरी की पूरी क्या है दिस इज द एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस एंड नीचे की साइड क्या होती है नीचे की साइड होती है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। तो एनाटॉमिकल नेक पे पूरा का पूरा अटैच होता है हमारा कैप्सुलर लिगामेंट बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है जैसा हमने यहाँ बताया ना कि ग्लिनोइड कैविटी की मार्जिन से अटैच होता है लेकिन लफड़ा कहाँ पे है सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल पर। उसी तरह से ह्यूमरस में भी एनाटॉमिकल नेक पे तो अटैच होगा ही लेकिन इसमें दो लफड़े हैं मीडियल साइड एक लफड़ा है लेटरल साइड दो लफड़े हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ अटैच टू एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस बट क्या इसमें दो एक्सेप्शन हैं। तो यहां लिख रहा हूं मैं एक्सेप्शन एक्सेप्शन कहां पे है कि अब आप खुद सोच लीजिए यार जो पहले का एक्सेप्शन है वही दूसरे का एक्सेप्शन है। पहले में लफड़ा किसमें था टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। ओके कि टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स कहाँ है विद इन जॉइंट कैविटी और इसमें भी होना चाहिए ना क्यों क्योंकि दिस इज लेसर ट्यूबरकल ग्रेटर ट्यूबरकल इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस इसका कंटेंट क्या होता है इसका कंटेंट होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। तो देखिए लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई गया ऊपर गया ऊपर जाने के बाद देखिए ये एनाटॉमिकल नेक के भी ऊपर होता है। अगर ये एनाटॉमिकल नेक के भी ऊपर होता है मतलब कि जहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडर होगा यहाँ पर कोई भी आपको कैप्सुलर लिगामेंट का अटैचमेंट नहीं मिलेगा। कहाँ पर जहाँ पर हमारा लिगामेंट
एनाटॉमिकल नेक से टच कर रहा है, करेगा ना यार, नीचे से ऊपर जा रहा है तो एनाटॉमिकल नेक को टच करेगा, और जहां पर ये एनाटॉमिकल नेक को टच करता है वहां पर कोई भी कैप्सुलर लिगामेंट का अटैचमेंट नहीं मिलेगा। तो आई होप फर्स्ट में जो लफड़ा था वही सेकेंड में लफड़ा है, ओके। तो मैं फर्स्ट एक्सेप्शन लिख रहा हूँ, देखिए कहाँ पे, सबसे ऊपर साइड मतलब सुपीरियर। तो एनाटॉमिकल नेक में सबसे सुपीरियर लिख रहा हूँ डेफिसिट, डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर हमारा लॉन्ग हेड और बाइसेप्स टच हो रहा है एनाटॉमिकल नेक से, वहाँ पर हमारे कैप्सुलर लिगामेंट का अटैचमेंट डेफिशिएंट होता है, नहीं होता है। डेफिशिएंट कहाँ पर, लॉन्ग हेड ऑफ एलएच मतलब लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, बाइसेप्स ब्रेकाई, देखिए अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, ओके। जहाँ पर लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन होता है वहाँ पर डेफिशिएंट होगा। एंड इसका सेकंड एक्सेप्शन होता है कहाँ पर, इंफीरियरली नीचे की साइड, एक एक्सेप्शन ऊपर की साइड है, एक एक्सेप्शन नीचे की साइड है, कहाँ पर, लेटरल अटैचमेंट ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट। तो एक एक्सेप्शन लिख रहा हूँ मैं इंफीरियर साइड, मतलब कि हमने बोला एक होती है एनाटॉमिकल नेक, एक होती है सर्जिकल नेक, मतलब क्या कि इंफीरियर साइड जो अटैचमेंट है वो कहाँ तक चला जाता है, इंफीरियर साइड ये नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है सर्जिकल नेक तक, क्योंकि एनाटॉमिकल नेक ऊपर थी, सर्जिकल नेक नीचे थी। तो इन्फीरियर साइड हमारे ह्यूमरस पर जो कैप्सुलर लिगामेंट अटैच होता है वह कहाँ होता है, वह सर्जिकल नेक तक एक्सटेंड कर जाता है। तो इन्फीरियर साइड में लिख रहा हूँ एक पॉइंट, एक्सटेंड डाउन, डाउन क्यों, क्योंकि सर्जिकल नेक एनाटॉमिकल नेक से नीचे होती है, एक्सटेंड डाउन टू सर्जिकल नेक। देखिए आपने अगर सर्जिकल नेक दिमाग में आया हो तो सर्जिकल नेक से रिलेटेड होती है हमारी एक्जिलरी नर्व, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, हमने बताया ना यहाँ पे नर्व सप्लाई, तो एक्जिलरी नर्व हमारे जॉइंट को सप्लाई करती है, ओके। तो अगर सर्जिकल नेक में कोई भी लफड़ा हुआ, कोई भी फ्रैक्चर हुआ, तो कौन सी नर्व खराब होगी, एक्जिलरी नर्व, एक्जिलरी नर्व में इंजरी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सर्जिकल नेक के चारों तरफ होती है एक्जिलरी नर्व। अगर सर्जिकल नेक में कोई भी फ्रैक्चर हुआ तो हमारी एक्जिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी, और एक्जिलरी नर्व सप्लाई किसको करती है, डेल्टोइड एंड टेरिस माइनर मसल को, ओके। देखिए हम अभी नर्व सप्लाई में सारी की सारी बात करेंगे कि एक्जिलरी नर्व क्या है, क्या होता है, ओके। तो आइए आप समझ गए होंगे। तो ये है पूरा का पूरा लेटरल अटैचमेंट का। अब आते हैं एंटीरियर अटैचमेंट पे। तो देखिए एंटीरियर साइड मतलब अटैचमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हमने देखिए इसके मीडियल अटैचमेंट देख लिए, लेटरल अटैचमेंट देख लिए, मीडियल मतलब स्केपुला वाले, लेटरल मतलब ह्यूमरस वाले। अब आते हैं एंटीरियर साइड। तो देखिए इसके एंटीरियर साइड पर आपको एक स्पेशल चीज मिलती है, या फिर आपको स्पेशल टेंडन्स मिलते हैं, ओके ओके। तो अभी हम बात करते हैं क्या होते हैं, तो टेंडन, सॉरी लिगामेंट, लिगामेंट एंटीरियर साइड क्या होते हैं, लिगामेंट मिलते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ थ्री थिकनिंग, के ई एन आई एन जी, थ्री थिकनिंग फोर स्ट्रेंथ, जी टी एच, ओके। तो यहाँ लिखा है स्ट्रेंथ, ओके, मतलब जो हमारा पूरा का पूरा कैप्सूल की बात कर रहा है कि जो एंटीरियर साइड ऑफ कैप्सूल लिगामेंट है इसके ऊपर आपको तीन थिकनिंग मिलेगी, मतलब एक मिलेगी इस ऊपर, सबसे ऊपर एक मिलेगी एंटीरियर, एक मिलेगी इन्फीरियर, ओके। तो सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर तीन थिकनिंग मिलती हैं। अब उन थिकनिंग्स को क्या नाम दें, उन थिकनिंग्स को हम नाम देंगे क्या, ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट्स, क्योंकि अगर तीन थिकनिंग बोली, एक बोली सुपीरियर, एक बोली एंटीरियर, एक बोली इन्फीरियर। देखिए ये एंटीरियर है और ये क्या होगा, दिस इज पोस्टीरियर, इतना तो पता होगा ना यार, ये क्या है, एक्रोमेंट प्रोसेस से पीछे होता है, तो दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज एंटीरियर, ये एंटीरियर की बात कर रहा हूँ, ओके। तो तीन थिकनिंग होती है, वो होती है तीन थिकनिंग बोल दीजिए या बोल दीजिए तीन लिगामेंट होते हैं जो कि हमारे कैप्सुलर लिगामेंट को स्ट्रेंथ करते हैं, इसको और पावरफुल बनाते हैं, तीन लिगामेंट्स। तो उनका नाम क्या बोलेंगे, उनका नाम बोलेंगे ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, मतलब ग्लिनो कैविटी टू ह्यूमरस, ओके। तो थ्री थिकनिंग फोर स्ट्रेंथ, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है, एक होगा हमारे पास, सॉरी सिक्वेंस से बोलते हैं, एक होता है सुपीरियर, एक होता है एंटीरियर। देखिए कुछ भी रटने का नहीं है, ऊपर आगे एंड नीचे इन्फीरियर, और इनको क्या बोलेंगे, ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, मतलब सुपीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, ग्लिनो ह्यूमरल, ओके, कि ये तीन लिगामेंट्स हमारे
कैप्सुलर लिगामेंट को स्ट्रेंथ कर रहे हैं और पावरफुल बना रहे हैं, ताकि हम देखिए यार, आप सोचिए ना यार, स्केपुला मतलब ह्यूमरस मतलब पूरा अपर लिम, मतलब अपर लिम को हमारी बॉडी से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो रस्सियाँ होगी ना दोनों बोन्स के बीच, रस्सियाँ मतलब लिगामेंट्स होंगे, वो बहुत ही पावरफुल होने चाहिए, क्योंकि यार हम इसी से वेट उठाते हैं, इसी से हम बाल्टियाँ उठाते हैं, इसी से हम जिम करते हैं, ओके। तो मतलब जो हमारा कैप्सूल है, जो हमारा कैप्सूल लिगामेंट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसीलिए हमारी नेचर ने इसको मतलब एकदम टाइटली पैक किया हुआ है, ओके। तो क्यों हो गया, अब इसमें कुछ बातें करते हैं हम, कि जो सुपीरियर और एंटीरियर क्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट होता है, उनके बीच एक स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, उस स्पेस को हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ विटब्रिकट, अभी बताता हूँ, फोरामेन ऑफ विट BRECHT, ओके पढ़ लेना यार, जो भी आप पढ़ो, तो विट ब्रिज स्पेलिंग पूरी सही है, ओके BRECHT, ओके ये सही है। अब हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि देखिए जो सुपीरियर और एंटीरियर के बीच एक फोरामेन से विट क्यों बोला, इसका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, हमने इसको यहाँ क्यों बताया, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, ये होता है वीकेस्ट पॉइंट, मतलब कि इन दोनों लिगामेंट के बीच जो जगह होती है वो होती है बहुत ही वीक पॉइंट, और अगर वीक पॉइंट हुआ और इन फ्यूचर हमारा कभी शोल्डर जोन डिसलोकेट हुआ तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा वीक पॉइंट की तरफ, वो वीक पॉइंट हमारा शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट कहाँ होगा, नॉर्मली वीक पॉइंट की तरफ, और वीक पॉइंट कहाँ है, हमारे सुपीरियर एंड एंटीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। तो इसी का मैं सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूँ कि दिस इज वीक पॉइंट, अगर ये वीक पॉइंट है तो दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन, तो दिस इज द कॉमन साइट फॉर शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन, सॉरी कॉमन साइट फॉर शोल्डर जॉइंट एंटीरियर डिसलोकेशन। एंटीरियर डिसलोकेशन क्यों, देखिए ना यार, सुपीरियर एंटीरियर इन्फीरियर, तो जो ये फोरामेन ऑफ विट ब्रिज है, ये नियर अबाउट आगे की साइड होगा, फ्रंट की साइड होगा, एंटीरियर साइड होगा, तो ये क्या है, दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर शोल्डर जॉइंट एंटीरियर डिसलोकेशन। ओके तो देखिए इस पॉइंट से क्या क्लियर हुआ कि इन दोनों के बीच जो फोरामेन है और ये क्या होता है, वीक पॉइंट होता है। उसी के साथ अगर आपसे ओवरऑल पूछे, देखिए ये तो इसके बारे में हो गया, ओवरऑल पूछे कि व्हाट इज द कॉमन साइट फॉर शोल्डर जोन डिसलोकेशन, कि अगर कॉमनली आपसे पूछा जाए कि शोल्डर जोन कहाँ डिसलोकेट होगा, तो आंसर जाएगा एंटीरियर इन्फीरियर, मतलब इसका एंटीरियर साइड जो ये वाला पॉइंट है ये भी वीक पॉइंट होता है। और उसके अलावा हम वीडियो में आगे बताएंगे, जैसे जैसे हम इसके 8 पॉइंट्स कवर करेंगे तो फाइनली आपको पता लग जाएगा कि हमारे शोल्डर जॉइंट का मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन कहाँ होता है, एंटीरियर साइड और इन्फीरियर, मतलब एंटीरियर इन्फीरियर डिसलोकेशन। ओके तो ये हो गया, तो अभी हम यहाँ पे मैं एंटीरियर इन्फीरियर नहीं लिख रहा हूँ, आगे लिख दूंगा तो बताऊंगा। ओके तो ये हो गया, तो हमारा ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, कुछ काम का नहीं है, खुद ही बोल रहा है कहाँ से कहाँ अटैच होगा, कोरेको प्रोसेस टू ह्यूमरस बोन एंड लास्ट एंड फाइनल ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। तो देखिए इसमें हमने ओनली ह्यूमरल लिखा है, मतलब दिस इज रिलेटेड टू ह्यूमरस, और ट्रांसवर्स मतलब ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगा, मतलब क्या कि दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल, इसके ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल के अपर पार्ट पे एक लिगामेंट होता है, यहाँ पे मतलब जो बाइसेप्टल ग्रूव होती है, दोनों ट्यूबरकल के बीच बाइसेप्टल ग्रूव होती है, इसके अपर पार्ट पे एक लिगामेंट होता है और वो बेसिकली ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगा, इसीलिए क्या बोल दिया, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्रिज, ब्रिज किसको ब्रिज करता है, अपर पार्ट ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव, बाइसेप्टल ग्रूव बोल दीजिए या बोल दीजिए इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, क्योंकि यहाँ ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच है, तो बोल दीजिए इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसेप्टल ग्रूव। तो जो बाइसेप्टल ग्रूव है उसके अपर पार्ट को ब्रिज करता है,
ब्रिज मतलब ब्रिज होता है ना यार, जैसे नदी के ऊपर ब्रिज होता है, तो देखिए बीच में नदी है, बाइसेप्टल ग्रूव नदी, इसके ऊपर ब्रिज करेगा अपर पार्ट पे, ओके ये हो गया। तो मतलब बाइसेप्टल ग्रूव यानी कि बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल, देखिए ट्रोकेंटर मत बोल देना, ह्यूमरस के लिए ट्यूबरकल यूज करते हैं, ट्रोकेंटर आप नीचे पढ़ेंगे ओके, ट्यूबरकल BRCLE ओके, तो बिटवीन लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल ओके। और एक बात और, बाइसिपल ग्रूव इसका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाइसिपल ग्रूव होती है इसमें क्या होता है, इसमें हमने बताया आपको, एक तो यहाँ पे क्या होता है टेंडन ऑफ लॉन्गेडो बाइसेप्स, लॉन्ग हेड, देखिए शॉर्ट हेड नहीं होता है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स का टेंडन होगा, और क्या होगी ये ऑफ कोर्स यार, ये कहाँ होगा एंटीरियर साइड, तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये क्या है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, इसकी क्या होगी असेंडिंग ब्रांच ओके। तो बाइसेप्टल ग्रूव के कंटेंट में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है टेंडन ऑफ लॉन्गेडो बाइसेप्स ब्रेकाई, इसके कंटेंट पे दो चीज़ें हैं, टेंडन ऑफ लॉन्गेडो बाइसेप्स ब्रेकाई एंड दिस इज द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच ओके। तो असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड टेंडन ऑफ लॉन्गेडो बाइसेप्स ब्रेकाई ओके। तो ये हो गया हमारा बाइसेप्टल ग्रूव भी, क्योंकि इससे भी आपका एमसीक्यू पिकअप होता है ओके। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए अभी हमने इस वीडियो में ओनली दो ही पॉइंट कवर किए हैं, फीचर्स एंड लिगामेंट ओके। देन इसकी आगे वाली वीडियोज में हम बर्सास फैक्टर्स, ये मतलब पूरे 8 पॉइंट्स कवर करेंगे, एंड देन पूरी थ्योरी के बाद हम इसके कुछ डायग्राम्स बताएंगे, मिनिमम 2 या 3 डायग्राम्स आएंगे ओके, जिससे हम पूरी की पूरी थ्योरी को भी कवर कर देंगे उन डायग्राम्स के थ्रू। देखिए हम डायग्राम्स को रटेंगे नहीं, हम डायग्राम्स को भी आपको एक्चुअल में समझाएंगे कि कैसे क्या होता है ओके। तो ये वीडियो इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बर्सा एंड अदर पॉइंट्स के ऊपर, बाय। और अगर आपको ये पूरा चार्ट चाहिए, इस पूरे चार्ट के नोट्स चाहिए, तो आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे TCML फेसबुक पेज पर, जिसका लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मतलब क्या कि यही नहीं, मैं जितने भी नोट्स बनाता हूँ या फिर मैंने अब तक जितने भी चार्ट्स बनाए हैं वीडियोस में, वो सारे के सारे चार्ट्स कहाँ अवेलेबल है, हमारे TCML फेसबुक पेज पर ओके। तो उसका लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। एंड फाइनली इफ़ यू लाइक माई वर्क, जो भी मैं वीडियोज आपके लिए बनाता हूँ, अगर वो आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं इन फ्यूचर इसे रेगुलर रखूँ, तो आप हमारे चैनल को डोनेट कर सकते हैं। तो देखिए डोनेशन के लिए आपको मुझसे कॉन्टेक्ट करना होगा व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप का लिंक भी मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाय।